जय ओं नमः श्री सिद्धि नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वाहिरियाणं नमो उवर्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्ठी को स्मरण करके तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के मंगलाचरण पूर्वक हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे 12 भावनाओं के स्वरूप पर, उनके चिंतवन पर और उनसे होने वाले लाभ पर। 12 भावनाओं के नाम और उनके मीनिंग, उनके भावार्थ और मेरा प्रयोजन उनसे कैसे सिद्ध होगा। पहली नंबर की भावना है अनित्य भावना। ये बात हमने पहले दिन ही क्लियर की है कि हम जो कुछ भी कथन यहाँ करेंगे वो स्यादवाद रूप से करेंगे। जिनवाणी का यह मुख्य लक्षण है। स्यादवाद का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से। कोई भी कथन निरपेक्ष नहीं होगा, अपेक्षा उसमें शामिल होगी ही होगी। जहाँ हमें कन्फ्यूजन हो, भ्रम हो, वहाँ हमें श्रम करना चाहिए अपेक्षा समझने की कि इस बात की क्या अपेक्षा हो सकती है। जैन दर्शन का बहुत बड़ा भारी सिद्धांत है अनेकांतवाद, और उस अनेकांतवाद जो सिद्धांत है, अनेकांत स्वरूप जो वस्तु का है, उसको बताने के लिए है स्यादवाद। अनेकांत वस्तु का मूल स्वरूप है। हर वस्तु में अनेक अंत हैं। अनेक अंत हैं माने अनेक गुण हैं, अनेक धर्म हैं। बताए कौन कि स्यादवाद। जिनवाणी है जो हमें अनेक धर्मों का परिचय कराती है। कैसे कराती है? अर्पिता निर्पिता सिद्धे तत्वा सूत्र का सूत्र है मुख्य और गौण की व्यवस्था से। मुख्य और गौण की कैसी व्यवस्था है? क्यों? क्योंकि वचनों की कमजोरी है कि एक साथ सर्व धर्म कहने में नहीं आते हैं, तो हमें वेट करना पड़ता है। कथन क्रम क्रम से होता है और समझना पूरी वस्तु को पड़ता है। जैसे हम मकान देखने जाएं तो समझना पूरे मकान को है, लेकिन कैसे समझेंगे पूरे मकान को? पहले एक बाहर से देखेंगे, फिर पीछे से देखेंगे, फिर अंदर जाके कमरा देखेंगे, फिर किचन देखेंगे, फिर बेडरूम देखेंगे, फिर दीवार देखेंगे। देखेंगे छोटा छोटा टुकड़ा 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 टुकड़ा। देखना क्या है? समग्र घर। पूरा घर खरीदना है ना। अब पूरा घर एक साथ देखने में आता नहीं है, तो कैसे देखते हैं? थोड़ा 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 करके देखते हैं, और बाद में क्या निर्णय करते हैं? पूरा घर अच्छा है। पूरा घर अच्छा है ये निर्णय कब हुआ? जब हमने थोड़ा 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 देखा। तो ऐसे ही हम शास्त्र के माध्यम से किसी भी के स्वरूप को भी शुरुआत कहाँ से करते हैं? थोड़ा थोड़ा समझ भेद से। पहुँचना कहाँ है? अभेद पर। चैतन्य को भी समझना होता है, आत्मा को भी समझना होता है, तो गुण भेदों से समझते हैं, लेकिन आत्मा गुण भेद रूप नहीं है, वो अभेद है। हमने 12 भावनाओं की चर्चा की, तो क्रम क्रम से हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पहली नंबर की भावना कौन सी है? अनित्य भावना। जिसने ये कहा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की जितनी भी पर्याय हैं, पर्याय माने अवस्था, वे अवस्था कैसी हैं, प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो कहा वे अवस्थाएं वे पर्याय अनित्य हैं। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते जाएंगे। अब
वापस यहां तक नहीं आ पाएंगे। पर्याय सभी अनित्य होती हैं। पर्याय शब्द आपको कठिन लग रहा हो, शास्त्र का लग रहा हो, तो अवस्थाएं सब अनित्य होती हैं, पोजीशन सब अनित्य होती हैं, पद जितने भी हैं सब अनित्य होते हैं। शरीर एक अवस्था है, गाड़ी एक अवस्था है, मकान एक अवस्था है, ये सारी पर्याय हैं। कोई पुद्गल की पर्याय हैं, कोई जीव की पर्याय, कोई जीव और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय है। जैसे ये माइक है, ये किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। ये मोबाइल किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। और मैं जो हूं वो तो ये मिलीजुली पर्याय है। इसको शास्त्रों में असमान जाति पर्याय कहा है। असमान जाति क्यों कहा? क्योंकि दो अलग अलग जाति के द्रव्य हैं, एक जीव और एक पुद्गल। ये समान जाति है, इसमें पूरे जितने भी हैं वो सब समान जाति हैं। पुद्गल 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 पुद्गल, लेकिन यहाँ समान जाति नहीं है। एक आत्मा वो जीव की जाति का है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर ये पुद्गल की जाति के हैं। तो ये जो अवस्था है ये कैसी अवस्था है? असमान जाति पर्याय। असमान जाति पर्याय माने दो भिन्न द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय। फिर भी हम गहराई से विचार करें तो ये शरीर जो है पुद्गल द्रव्य की अवस्था है, और वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान, क्षयोपशम, बुद्धि, जो कुछ भी आप नाम दे रहे हैं वो जीव की पर्याय है। ये दोनों पर्याय कैसी हैं? अनित्य। पर्याय मतलब अनित्य, सीधी सीधी। द्रव्य माने नित्य, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, और पर्याय कभी स्थिर नहीं रहती है। समझो, दो लाइन में पूरा सार आ जाता है। क्या कहा? फिर से कह देता हूं, पर्याय कभी स्थिर नहीं रहती है। पर्याय माने अवस्था, पलटती ही रहेगी, बदलती ही रहेगी। पर्याय का लक्षण ही है हर समय परिवर्तन होता रहे, उसका नाम पर्याय। द्रव्य कैसा रहेगा? स्थिर, द्रव्य नहीं बदलता है। ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। जब से खरीदा है तब कौन सा द्रव्य था? पुद्गल पुद्गल द्रव्य। अभी कौन सा है? पुद्गल द्रव्य। भविष्य में कौन सा रहेगा? अच्छा, इसके टूटने के बाद ये कौन सा द्रव्य हो जाएगा? इसको चक्की में पीस देवे तो कौन सा द्रव्य हो जाएगा? तो पुद्गल 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 पुद्गल, ये नित्य है, स्थायी है, ये नहीं बदलेगा कभी। अनादि काल से आज तक और आज से आगामी अनंत काल तक इसकी कितनी ही अवस्थाएं बदल दी जाएं, यह पुद्गलपना नहीं छोड़ेगा। जीव के भी साथ ऐसा ही है। मनुष्य गति में हूं तो मैं जीव हूं, देव गति में गया तो जीव, त्रेंच गति में गया तो जीव है, नरक गति में गया जीव है, एक इंद्री बना जीव है, दो इंद्री बना जीव है। भाई हिंदुस्तान में बैठ के प्रवचन करो जीव है, अमेरिका में बैठ के प्रवचन करो तो वो सीन थोड़ी निकल आएंगे। द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो बदलाव थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, पहले यूं कहा था अब यूं कहा है, पहले ऐसे दिखते थे अब ऐसे दिख रहे हैं, अब कल ऐसा था, वो जो बदलाव है वो किसका है? पर्याय का। तो द्रव्य नहीं बदलता है पक्का, और पर्याय रुकती नहीं है। हमारी समस्या क्या है? द्रव्य से हम अपरिचित हैं, पर्याय दिखती है, महसूस होती है, फील होती है, तो हम पर्याय के परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। समझो, जो 30 साल के हैं वो 31 के नहीं होना चाहते, 40 के हैं वो 41 के नहीं होना चाहते, 60 के हैं तो 61 के नहीं होना चाहते। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब गाड़ी रुक जाए, और कदाचित नहीं रुकती है तो हम क्या करते हैं, ऐसा महसूस कराते हैं जैसे रुक गई है। भाई कलर कर देंगे, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, और तामझाम कर लेंगे, कपड़े ऐसे पहन लेंगे जैसे थोड़ा कम लगे। अच्छा, कम लगना और कम होना दोनों जुदी चीजें हैं ना। मैं आपको भले 6 महीने का बच्चा लगूं, उससे मेरी आयु काल में कुछ परिवर्तन होगा क्या? तो लगना तो वो भ्रांति वाला कोटा हो गया ना, जो भ्रम है। कोई समझो 20 साल पुरानी गाड़ी है, मैं उसको रंगा रंगू के ले आऊं एकदम नई लगे, तो नई लगना और नई होना अंतर है ना। तो ऐसे ही अगर आप नए लग भी रहे हैं तो, लेकिन वो जो लगना जो है
वो कहाँ लग रहा है? पर्याय में, द्रव्य में, वो तो यथावत है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जैन दर्शन का, द्रव्य स्थायी है, पर्याय बदलती रहती हैं। तो कभी कभी पूरी समग्र वस्तु की तरफ से कह देते हैं, एक अपेक्षा से वस्तु बदलती रहती है और एक अपेक्षा से वस्तु नहीं बदलती है। इस बात को सुनते ही लोग कहते हैं, यार तुम ये एक बात बोलो, तुम या तो बोलो बदलती है या बोलो स्थिर रहती है। हम क्या कहेंगे? हम एक बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि वस्तु में एकपना नहीं है, उसमें दो धर्म विद्यमान है, अस्थिपना भी उसमें विद्यमान है और नास्तिपना भी उसमें विद्यमान है। समझना ये बहुत गहराई का, बोला आप सुन, जो सुन रखा ना अनेकांत माने, आपने तो सुन रखा अनेकांत माने, सब सही कह रहे हैं यार, छोड़ो क्या लड़ते हो। अनेकांत का असली जो बात है वो ये है, वस्तु में जो विरुद्ध धर्म जैसे लगते हैं वे भी विरुद्ध धर्म है नहीं, वे वस्तु के पूरक धर्म है। वो तो उसका बहुत स्थूल वर्जन है। कौन सा? अब जो जो जैसा कह रहा है अनेकांत में, सब शांति रखो शांति रखो शांति रखो। अपने एक उदाहरण है ना, कौन सा? वो हाथी वाला याद होगा आप, अनेकांत के लिए छह लोग हाथी को देखने गए, लौट के आए, आपको पता है, एक ने कहा हाथी कैसा है? खम्भे जैसा। एक ने कहा रस्सी जैसा। एक ने कहा अजगर जैसा, सांप जैसा। एक ने कहा सूप जैसा। छह लोगों ने अलग अलग बताया। प्रश्न है मेरा सीधा साधा, उन छहों में से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? बताओ तो सही, क्या लग रहा है? छह जो बता रहे हैं हाथी के मामले में, वे छह सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? मानसिक सत्य। अब ये जो अनुभव किया वो बताया, नहीं जो अनुभव किया वो बताया वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि अभी जो कह रहे हैं वो वाक्य सत्य के खाते में जाएगा या असत्य के खाते में जाएगा या अर्ध सत्य के खाते में जाएगा? तो अर्ध सत्य को आप सत्य में मानेंगे कि असत्य में मानेंगे? तो सत्य के खाते में जाएगा कि असत्य के खाते में जाएगा? मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, नहीं सरल कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूजन मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्रश्न फिर से पूछ लेता हूँ। छह लोग हैं, अंधे हैं जन्म से, देखो उनके प्रति हमारी सिंपैथी है, अलग बात है, बेचारे अंधे हैं, सिंपैथी अलग चीज है, फैक्ट अलग चीज है। कोई अंधा व्यक्ति पीतल को सोना बोले तो हम उसे सोना मान लेंगे, बेचारा अंधा है ना, मान लो ना बेचारा, नहीं बेचारा है, अपनी जगह है, लेकिन पीतल पीतल रहेगी, सोना सोना रहेगा। तो वो छह अंधे हैं, हमारी पूरी सिंपैथी है उनके लिए, लेकिन वे जो कह रहे हैं उस पर तो विचार करना पड़ेगा कि वे सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं या आधा सच कह रहे हैं। अच्छा, वे सत्य भी कह रहे हैं और असत्य भी कह रहे हैं। तो पहले हम समझ तो लेवे अनेकांत का मतलब क्या है, अनेकांत की स्थापना आचार्यों ने क्यों की है, अनेकांत का अवतार जैन शासन में क्यों लिया, अनेकांत का स्वरूप क्या है, क्या ये अनेकांत सबको खुश करने के लिए है, क्या झूठ को भी सच कहने के लिए है, या वस्तु का जो सत्य स्वरूप है उसको बताने के लिए है। तो छह लोगों ने जो कहा है वो उन्होंने जो अनुभव किया, किसी ने खम्भे जैसा, किसी ने रस्सी जैसा, किसी ने दीवार जैसा, किसी ने सूप जैसा हाथी को कहा, लेकिन हाथी कैसा है? अगर सर्वांग से विचार करें एक एक वाक्य को, पैर की अपेक्षा से खम्भे जैसा लगता है, पेट की अपेक्षा से दीवार जैसा लगता है, सूंड की अपेक्षा से सांप जैसा अजगर जैसा लगता है, कान की अपेक्षा से सूप जैसा। तो छहों को यदि सम्मिलित किया जाए और छहों को एक दूसरे के मत स्वीकार हो तो फिर पूरा वाक्य बनेगा, कथनचित हाथी रस्सी जैसा है, कथनचित हाथी सूप जैसा है, कथनचित हाथी खम्भे जैसा है, कथनचित माने किसी अपेक्षा से। तो वो जो अपेक्षाएं एक दूसरे को स्वीकृत हो जाएं, जैसे कहानी का जो पूरा आगे का जो पार्ट है, ये तो आधा पार्ट था ना, फिर जो उनका मित्र है नेत्र वाला,
जिसको आंख से सब दिखाई दे रहा है, उसने छहों को बैठ के समझाया कि तुम आपस में लड़ो मत, पूरे हाथी को समझने की कोशिश करो। और जब उन्होंने पूरा हाथी समझा तो विवाद खत्म हो गया। पूरा मैटर कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कैसा है? नेत्र वाला। झगड़े कौन मचा रहे थे? अंधे लोग। समझना, ये एक एक प्रतीक है, ये कथाएं जो है सिंबॉलिक है। जो विवाद कर रहा है वो अंधा है। अंधा जरूरी नहीं आंख फूटी हो, विवेक से अंधा है, इसलिए वो झगड़ रहा है। समाधान कौन करेगा? ज्ञानी गुरु। तो ज्ञानी गुरु के पास गए तो क्या मामला हुआ कि आप तो हमको बताओ यार, वस्तु नित्य है या अनित्य है? वस्तु एक है या अनेक है? वस्तु में अस्थिपना है या नास्तिपना है? दोनों कैसे संभव हैं? क्योंकि दोनों शब्द सुनने में हमें कैसे दिखाई देते हैं? विपरीत, जिन्हें हम क्या विलोम शब्द बोलते हैं, लेकिन वे विलोम है नहीं। विलोम माने उल्टे, विपरीत। एक के रहने पे दूसरा ना रहे, दूसरे के रहने पे दूसरा ना रहे, उसका नाम विलोम शब्द है। लेकिन इसमें थोड़ी जैसे आग और पानी है, ये विलोम है। लेकिन अस्ति नास्ति, अब सुनने में तो ये भी ऐसे ही लग रहे हैं भाई, जिसकी अस्ति होगी, जिसमें अस्ति नाम का धर्म होगा उसमें नास्ति नाम का धर्म कैसे होगा? जिसमें नित्यपना होगा उसमें अनित्यपना कैसे होगा? तो हमने लोक दृष्टांत से ये बात सरल करने की कोशिश की। भैया, यहाँ हर बैठा व्यक्ति अनेक धर्मों से सहित है, हर व्यक्ति। और अनेक धर्मों में से कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो विपरीत भाषित होते हैं। पिता पुत्र तो विपरीत है ना, फिर भी वो एक ही व्यक्ति पिता भी है और पुत्र भी है। एक ही व्यक्ति पिता भी है और पुत्र भी है। कैसे? अपनी अपनी विवक्षा से। ऐसे ही वस्तु नित्य भी है और वस्तु अनित्य भी है। कैसे? अपनी अपनी विवक्षा से। विवक्षा कौन सी है? पर्याय की अपेक्षा से वस्तु कैसी है? अनित्य है। और द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है। ख्याल में आता है? इसमें अस्ति नाम का भी धर्म है और इसमें नास्ति नाम का भी धर्म है। इसी में तो अस्ति नाम का धर्म है, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे ये है, इसकी सत्ता है, तो इसमें अस्ति नाम का धर्म है। लेकिन इसमें नास्ति नाम का धर्म कैसे है? इसमें स्व की अस्ति है और पर की नास्ति है। इसमें देखो, मैं और इसको सरल करने की कोशिश करूं। फोन है तो माइक नहीं है, हाँ जी, आपके एग्जांपल में फोन है तो ये माइक नहीं है, मतलब मैं माइक ना ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों धर्म एक ही वस्तु में है और वर्किंग कंडीशन में है, और उनका अपना कुछ काम है। जैसे इस लैपटॉप में अनेक सॉफ्टवेयर है, अनेक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। साथ में एक सॉफ्टवेयर और है जिसका नाम है एंटीवायरस। उसका क्या काम है? उसका क्या काम है कि वो वायरस को अंदर नहीं आने दे रहा है। कोई वायरस अंदर ना आ पाए, ऐसी एक पावर इसके अंदर मैंने अलग से डाली है। ऐसा होता है ना, उसे क्या हो रहा है? कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता है। मतलब एंटीवायरस, मतलब अन्य वायरसों की नास्ती नाम का धर्म इसमें है। अन्य वायरसों की नास्ती नाम का धर्म माने, अब विश्व के अनेकानेक वायरस मिलके अगर मेरे कंप्यूटर पे अटैक करना चाहें तो वो मेरे कंप्यूटर के अंदर प्रवेश उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नास्ती नाम का धर्म उसमें है। उसका नाम क्या है? नास्ती। किसकी नास्ती? वायरस की नास्ती। किसमें है वायरस की नास्ती नाम का धर्म? उसी में। पॉइंट समझे? यदि चैतन्य की यहां अस्थि है, इसकी आयु पूरी हो गई। यहां तो लोग ज्यादा जीते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, इसको दिया करो कुछ। नहीं बोले, इसमें इसकी नास्ती सच में हमारे शासन में अमृत तुल्य चर्चाएं हैं, अमृत तुल्य, जिनको आदमी थोड़ा भी विचार करे तो
तो ये जो पॉजिटिविटी के नाम पे लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोच, नेगेटिव तो सोचने में आता ही नहीं, वस्तु का सही स्वरूप समझ में आ जाए तो नेगेटिविटी की नास्ती प्रकट हो जाती है, तो नेगेटिविटी को एंट्री नहीं मिलती है। इसमें अस्थि भी है अपनी खुद की, खुद के सॉफ्टवेयर की, साथ में नास्ती नाम का भी धर्म है, वो क्या कर रहा है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर को अंदर नहीं आने दे रहा है, दूसरे वायरस को अंदर नहीं आने दे रहा है। ऐसे ही हर वस्तु में अपनी स्व की अस्थि है और पर की नास्ति है। मैं चेतन हूं ना, मैं कौन हूं, चेतन। शरीर क्या है, उद्गल, अचेतन। तो आत्मा में चेतनता की अस्थि है और साथ में अचेतनता की नास्ति है। मतलब क्या हुआ, अब वो लाखों वर्षों तक पुद्गल के साथ में रहने पर भी यह चेतन कभी अचेतन नहीं होगा। पुद्गल में भी है, पुद्गल में क्या है कि लाखों वर्षों तक मेरे साथ रहने के बाद भी ये पुद्गल जीवत्व को प्राप्त नहीं होगा। तो अस्थिपना भी वहां है, नास्तिपना भी वहां है, नित्यपना भी वहां है, अनित्यपना भी वहां है। इसलिए इस वस्तु के स्वरूप का विचार करके फिर 12 भावनाओं का चिंतन करें तो कोई आपको क्रॉस नहीं कर पाएगा। यदि हम अनित्यता की बात कह रहे हैं तो पर्याय अपेक्षा से कह रहे हैं, जिस काल में पर्याय अपेक्षा से हम अनित्यता की बात कह रहे हैं उसी काल में द्रव्य अपेक्षा से मैं नित्य हूं ये अनुभूति मुझे करना चाहिए। सिर्फ हमें रोना धोना नहीं है, सब अनित्य है, सब अनित्य है, सब अनित्य है, सर पकड़ के बैठ गए, नहीं नहीं सब अनित्य है, बना रहने दो। इन सब अनित्यों के बीच में एक नित्य भगवान आत्मा भी है द्रव्य अपेक्षा से। दूसरे नंबर पर कौन सी भावना है, अशरण। इसका क्या अर्थ है कि इस पूरी धरती पर विश्व के कोने के चप्पे चप्पे को छान मारो, इस परिवर्तन को रोकने के लिए कोई शरण भूत नहीं है, कोई ऐसा तंत्र मंत्र जादू देवी देवता भगवान ईश्वर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो इस परिवर्तन को रोक सके। एग्री। इसलिए इधर उधर शरण मत ढूंढो। तो क्या करूं कि फिर वही समाधान है, यही सबसे बड़ी शरण है, कौन, भगवान आत्मा। अगर भगवान आत्मा की शरण ना ली जा सके, ना समझ में आए, तो एक शॉर्टकट आपको और देते हैं। जिन्होंने आत्मा की शरण ले रखी है ऐसे हैं हमारे पंच परमेष्ठी, अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इनके स्मरण करें, इनके निकटवर्ती होवें, इनके स्वरूप का विचार करें या इनका ध्यान करें। कुछ समझ में नहीं आए तो इनका नाम भर बोलते रहें, णमो अरहंताणम, वो सबसे स्थूल वर्जन है उसका। कि आप शब्द तो बोलते रहो, पूरे शब्द ना बोले जाएं तो अरहंत सिद्ध आचार्य, और ना बोले जाएं तो अरहंत अरहंत, ना बोला जाए तो सिद्ध अकेला, कहीं की ताकत ना बचे तो अकेला ओम 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 ऐसा भी उच्चारण करते हैं तो उसमें पंच परमेष्ठी गर्वित है। पहले नंबर की भावना अनित्य, कोई नित्य नहीं है मुझे छोड़ के मेरे लिए। दूसरे नंबर की भावना अशरण, दुनिया में कोई शरण नहीं, किसी की तरह मुंह मतलब भिखारी की तरह देखना ही नहीं, लिख के दे रहे हैं वो तुम्हारा रंच मात्र भला नहीं कर सकता है। वो कितना ही अरबपति खरबपति होवे, पावरफुल होवे, दमदार होवे, जादू मंत्र जानता हो, मेरा भला बुरा मेरे पुण्य पाप के अधीन है। ये कर्म सिद्धांत का जिस जीव को निर्णय है बहुत स्वाधीन और शांति से जिंदगी जी सकता है। फिर मैं किसकी शरण में जाऊं, अरे भाई किसी की शरण में मत जाए, इसलिए तो आशरण भावना पड़ा रहे, फिर शरण मांगता है। नहीं तो कुछ तो उपाय बताना पड़ेगा, बता रहे ना किसकी शरण में जाना है, आशरण भावना को समझ के किसकी शरण में जाना है, अपनी शरण में जाना है। अपनी शरण में मन नहीं लगे, नहीं समझ में आए तो क्या करें, तो पंच परमेष्ठी की शरण में, शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणा दो, बस पूरे विश्व में दो ही शरण है। ये जो अनित्यता है, ये जो अशरणता है, ये कहां पर है, पूरे संसार में, सब जग देखो छान, पूरे संसार में। ऐसा नहीं कि ये अनित्यता अशरणता कहीं कहीं है, क्योंकि छोटी छोटी भ्रांति हमारे चित्त में पलती रहती हैं। क्या पलती रहती हैं, ये तकलीफ है ना ये तो गरीबों को आती है, ये प्रॉब्लम्स है ना ये तो छोटे देशों को आती हैं,
लेकिन कभी कभी कुदरत आपको एक आईना दिखा देती है कि सुनो यहाँ सब बराबर है। तो ये जो अनित्यता है, ये जो अशरणपना है, ये किसी खास कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है। रिजर्वेशन वाला कोटा यहाँ नहीं है कि इनके लिए अनित्यता है, इनके लिए नित्यता है। पूरे विश्व के चप्पे चप्पे को, मतलब संसार के किसी भी कोने में पर्यायों का नित्यपना और कोई शरण नहीं पाया गया है। इसलिए पूरे संसार को, संसार भावना में, पूरे संसार में कहीं भी सुख नाम की चीज नहीं है। यदि संसार में आपको सुख लग रहा है, माने आप गलतफहमी में हैं, आप भ्रमित हैं, भ्रमणा में जी रहे हैं। यदि संसार में ही सुख लग रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा पुण्य का उदय हो जाए, चार चवन्नी ज्यादा इकट्ठी हो जाए दूसरों से, तो यूं लगता है कि हाँ अब बढ़िया रहे। लेकिन वो जो बढ़ियापना है वो कैसा है? वो पराधीन है। किसके पराधीन है? वो पैसे के पराधीन है। पैसा क्या है? अवस्था। अवस्था कैसी है? अनित्य। तो अनित्यता के भरोसे आप निराकुल लंबे काल तक नहीं रह सकते। भाई आज मेरी 1 करोड़ की जॉब लग गई, तो मुझे तो बहुत बहुत आनंद में आ गया साहब, 1 करोड़ रुपए का पैकेज है, 1 करोड़ रुपए का पैकेज है, करोड़। लेकिन 1 करोड़ रुपए का पैकेज क्या है? नित्य है क्या? अनित्य है। तो बस इसके भरोसे आप ज्यादा लंबे प्लान नहीं बनाना। बहुत लंबे प्लान बना लिया तो क्या होगा? वही जो दुनिया में हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि जॉब का भरोसा नहीं है। यहाँ तो मैसेज करके भी बोल देते हैं कल से मत आना, बोले पता है ऐसा ही है ना। हमारे यहाँ तो सोचते हैं कि इसको कैसे ना बोलूँ, इतने दिन से अपने यहाँ काम कर रहा है, मतलब उसको बहुत प्लानिंग और रिक्वेस्ट, या तो सीधा एक मैसेज डालना है, भाई साहब कल से आपकी जरूरत नहीं है। तो आप नाराज नहीं होना, क्यों? क्योंकि वो जो चीज थी वो क्या थी? वो अनित्य थी। हमने उसको नित्य मान लिया था, तो हमारी भ्रमणा है। तो ऐसी संसार में कोई भी पद प्रतिष्ठा, कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, शरणभूत नहीं है। अच्छा, ये जो तमाशा जो हो रहा है सुख दुख का, हानि लाभ का, ये कितने लोग मिलके एक साथ भोगते हैं? चौथे नंबर की भावना। कितने लोग मिलके कष्ट भोगते हैं, सुख दुख भोगते हैं? एकत्व भावना। एकत्व भावना माने एक को करे कम्मम, एक को हिन्दी है दिए संसारे। एक ही जीव कर्म करता है और वही जीव उन कर्मों के अनुसार से उसका फल भोगता है, ऐसा देखा गया है। हम महसूस करते हैं शास्त्रों में, तो जो वर्णन है वो है ही, प्रत्यक्ष अनुभूत करते हैं कि बहुत पुण्यशाली पिता के बहुत पाप के उदय वाले जीव आ जाते हैं, बहुत पाप के उदय वालों के बहुत पुण्यशाली जीव आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? एक एक जीव अपना अपना उदय लेके घूम रहा है। अनपढ़ लोगों के यहाँ विद्वान और विद्वानों के यहाँ मूर्ख पैदा हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं ये क्या है? क्योंकि एक एक जीव अपना अपना कर्म का उदय लिए घूम रहा है। इसलिए हमें कभी कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारी हम आदत नहीं जाती ना कंपेयर करना, मन नहीं मानता है। हमें हर जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहिए। हम तो कोई गार्डन में भी घुस जाएं और तरह तरह के पेड़ खड़े देखें, तो हम ये विचार करने लग जाएं ये नींबू थोड़ा मीठा होता तो कितना बढ़िया होता। अरे जो जैसा है उसको रहने देना भाई। नींबू की अपनी उपयोगिता है, आम की अपनी उपयोगिता है, गन्ने की अपनी उपयोगिता है, उसे हर जगह। और कई लोग इस खुरापात के चक्कर में मॉडिफाई भी करते जा रहे हैं, तो कई फल तो जो मूल रूप था वो गायब ही हो गया। कैसा था? अब जो मिल रहा है वो वर्जन, वो तो हमारी खुरापात का मिल रहा है, तो हमें वो स्वाद नहीं रहा, वो स्वास्थ्य नहीं रहा। मतलब कितनी चीजों से उसके इफेक्ट जो है। यहाँ क्या कह रहे हैं? एक एक जीव, जैसे एक एक पेड़ अलग है, हर पेड़ का फल अलग है, ऐसे ही हमारे परिवार के 5 सदस्य पांचों जुदे जुदे हैं। ये सब रहते तो एक घर में तो रहने दो ना, क्या दिक्कत है? एक ट्रेन में जैसे रहते हैं, एक फ्लाइट में जैसे रहते हैं, एक धर्मशाला में जैसे रहते हैं, एक होटल में जैसे रहते हैं, उस होटल से ज्यादा कुछ नहीं अपना घर। और जिसने उससे ज्यादा माना वहां झगड़े, सब एक दूसरे पर दादागिरी बता रहे हैं। ऐसा करो तो ठीक रहेगा, कभी कभी फरमान, ऐसा नहीं करोगे तो निकल जाओ घर से। होटल में भी ऐसे ही होता है, उसमें क्या है, वो भी भगा देता है अगर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे। ट्रेन में भी उतार देता है, टीसी टिकट नहीं है तो उतरो। तो इसलिए हमें ये मान के चलना चाहिए। क्या मान के चलनी चाहिए? मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है। ये थॉट प्रोसेस जिस दिन आपके चित्त में आ जाएगा, दुनिया में कोई आरोपी नहीं दिखेगा आपको।
आरोप ही नहीं दिखेगा, मतलब आप ब्लेम नहीं करेंगे किसी के ऊपर, और ब्लेम नहीं करेंगे तो परेशानी नहीं है। लेकिन वो ब्लेम करना तो हमने बचपन से सीखा है भाई, जब से पैदा हुए हमने एक ही चीज़ तो सीखी है, यहाँ पता नहीं है हिंदुस्तान में तो ये ट्रेनिंग हर घर में दी जाती है, वो दो दो फुट के बच्चे भी होते हैं ना, वो टेबल से भी टकरा जाए तो उसकी पढ़ी लिखी होशियार माँ खड़ी होती है और टेबल को दो तमाचे मारती है, इस टेबल ने दी है ना तेरे, और बच्चा भी खुश हो जाता है। और कभी कभी तो बच्चा बुलाता है कि माँ इसको मारो, इसने मुझे दी, तो माँ उसको सेटिस्फेक्शन के लिए मारती है। क्या है ये, मार किसको पड़नी चाहिए थी जो मुंह उठा के चल रहा था, टेबल तो अपनी जगह से बेचारी हिली भी नहीं थी, जब से तुम लाए थे जहां रखी थी वहीं थी, एक इंच नहीं हिली थी अपनी जगह से, प्रॉब्लम किसमें थी। लेकिन हम अपनी स्वीकार, मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता, अपने बेटे की गलती स्वीकार नहीं कर सकता, आसपास कुछ दिख नहीं रहा है तो बेचारी टेबल के माथे आ गई, इसने इसने मेरे बच्चे ने सर वो टेबल गालियां खाती है, ये टेबल बहुत बेकार है, बोले गंदी टेबल है ये, मार दे भाई तू मुंह उठा के चलता है, ये क्यों विचार नहीं करता है। आप समझे, शुद्धिकरण प्रायश्चित कहीं और करना था, शुद्धिकरण और प्रायश्चित किसी और का किया, फिर कभी कभी हम मंत्र पढ़ने बैठ गए, टेबल की आग्रह टेबल की आरती उतार रहे, ये टेबल मेरे बच्चे को कष्ट मत पहुंचाना, टेबल कह रही भाई मैं कहाँ कष्ट पहुंचाती हूँ। नहीं नहीं समझे, हम रुपया पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कई लोग उसके सामने ये रुपया पैसा तुम कहीं जाना मत, उस जीव को पता ही नहीं है कि ये रुपया पैसा हाथ जोड़ने से नहीं आते हैं, तेरे पूर्व पुण्य का फल है जो आ जाते हैं, पुण्य चला जाएगा रुपया पैसा चला जाएगा, क्यों कोई गड़बड़ हो गई है। नहीं लोग करते हैं, मैं तो वो बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस जीव को ऐसा लगता है कि मैं इसकी आरती उतारूंगा, जैसे मोबाइल खरीद के लाया, अब मैं इसको रोज रात को आरती उतारूं, इसकी खराब मत होना, खराब मत होना, खराब मत होना, तो आप हंसोगे ना, क्यों कि भाई साहब आपकी आरती के भरोसे नहीं है इसका खराब होना नहीं होना। तो ऐसे ही धन का टिकना नहीं टिकना, मकान का टिकना क्या नहीं टिकना, गाड़ी का टिकना क्या नहीं टिकना, संयोगों का टिकना क्या नहीं टिकना, ये किसके हाथ में है। हम लोग तो चलो पंचम काल के छोटे मोटे जीव हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष जो हुए ना, जिनके नाम शास्त्रों में है, रामचंद्र जी, श्री कृष्ण और बड़े बड़े, इनकी फाइल कभी देखी है, इनकी फाइल फाइल समझिए वो क्या कहते हैं, इनकी स्टोरी थोड़ी बहुत तो सुनी होगी ना, मतलब क्या है इसका, उनके पास कोई मंत्र तंत्र नहीं था जो उनकी लाइफ को अच्छे से जी लेते, उनके पास कोई फेंगशुई का सामान नहीं था जो अपने घर में टांग लेते सब शांति हो जाती। आप सोचो जरा विचार करो, सीता जी किडनैप हो गई तो रामचंद्र जी ने क्या किया, कौन से भगवान को मनाया कि सीता जी वापस आ जाए, इसमें भगवान का क्या रोल है। हम हर बात में भगवान के पास पहुंच जाते, मेरी दुकान में चोरी होगी भगवान मेरी दुकान में, भगवान के मैं क्या करूं भाई, तूने ऐसा कर्म बांधा था तेरे उदय में आया है, तू मुझे क्यों डिस्टर्ब करता है मुझे। लेकिन क्या करें, हमको कुछ सूझता नहीं है, तो कभी कभी ये छोटे मोटे उपाय भी धैर्य धारण करने के काम आ जाते हैं। जैसे कल एक बार ना, कभी कभी डॉक्टर को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है, आपकी मानसिक स्थिति कमजोर ज्यादा हो तो डॉक्टर फिर आपसे सच नहीं बताता है, डॉक्टर क्या करता है, चिंता नहीं करो मैं हूं, दो मिनट बाद मरने वाले हो, फिर भी डॉक्टर बोलता है मैंने सुना है कानों से, मैंने कहा डॉक्टर बता तो दो इसको, नहीं नहीं वो कमजोर है, अरे मैंने कमजोर क्या, मरेगा तो यही, वो दो मिनट बाद बचेगा, पहले बता दो, शायद उसे कुछ तैयारी करनी हो, ओंकार मंत्र पढ़ना हो, कुछ तो बता दो, नहीं नहीं बोले मुझसे मत बता। तो ऐसे ही आपके धर्म गुरु भी आपके चेहरे देख के सच्चाइयां बताने से डरते हैं, बचते हैं, रहने दो बेचारा कमजोर है, ज्यादा सच्चाई बता दिया तो मंदिर ही नहीं आएगा ये, क्योंकि इसे पता चल जाएगा मेरे भगवान वीतरागी हैं, फिर पूछेगा मंदिर क्यों आऊं फिर मैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं तुम आओ तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखना इसके बीच के जो सच्चाई वो ये है, वीतराग भगवान की उपासना करने से जिस लेवल की विशुद्धि होती है, जिस लेवल की निष्काम भक्ति होती है, जिस लेवल का पुण्य बनता है, उस पुण्य के फल में लौकिक अनुकूलताएं मिलती हैं, ये कर्म सिद्धांत का सत्य है। लेकिन भगवान दे रहे हो और आप ले रहे हो ऐसा नहीं है। फल जो मिलता है वो किसका मिलता है, मेरे परिणामों का। तो भगवान का क्या रोल रहा कि भगवान के निमित्त से
विशुद्ध परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। जैसा निमित्त होना सामने, समझो राष्ट्रपति यहाँ आके बैठ जाए तो थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता है, बड़े धर्मगुरु यहाँ आके बैठ जाए तो मानसिक स्थिति में बदलाव नहीं होता है। तो ऐसी तीन लोक के नाथ के सामने जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे परिणामों में बदलाव होता है, वो सामान्य नहीं है। वो लोगों को लगते होंगे पत्थर के हैं, पाषाण के हैं, पीतल के हैं, धातु के हैं, मैं तो समोसरण जैसा प्रवेश करता हूँ, लगता है ये तीन लोक के नाथ हैं जिन्होंने संपूर्ण वीतरागता को प्राप्त किया है। तो वो उस भाव से यदि आप अरहंत की वंदना करते हैं तो अंदर में जो भाव विशुद्धि हुई है, उस भाव विशुद्धि से जो प्रशस्त प्रकृतियां बनती हैं उसका उदय होता है लौकिक अनुकूलताएं। लेकिन ध्यान रखना बेईमानी से कि लौकिक अनुकूलता के लिए मैं उनकी जी हजूरी करूं, तो आचार्य कहते हैं कि पुण्य भी ढंग से नहीं बांध पाता जी, क्योंकि मन में भक्ति का भाव कम, विषय कषायों का लोभ ज्यादा, तो उसका सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। पूरे विश्व में देव दर्शन की विधि और जैनियों की देव दर्शन की विधि में मूलभूत अंतर यही है ना, पूरा विश्व मंदिर से कुछ लेने जाता है, कुछ नहीं हो तो कम से कम प्रसाद ही ले आएगा, हम मंदिर को कुछ देने आते हैं, त्यागने आते हैं। मंदिर से चावल घर नहीं ले जाते हैं, घर से चावल लाते हैं और मंदिर में स्वाहा, मतलब आप समझे इसकी इसकी मूल भावना। जैन शासन त्याग मूलक दर्शन है, ग्रहण मूलक नहीं है। क्या अंतर है, तो सोच का डिफरेंस है। क्या आपके पास होगा और क्या नहीं होगा ये तो पुण्य पाप के भरोसे है, ना मेरे सोचने से मेरा कुछ बढ़ रहा है ना आपके सोचने से आपका कुछ घट रहा है। वो व्यवस्था तो जैसी जिसकी पुण्य पाप का उदय वैसी रहेगी। अंतर कहाँ आ रहा है, भावना का। मैं जिनेन्द्र परमात्मा के पास आता हूँ, प्रभु जिससे आपने सर्ववीतरागता प्रकट कर ली है वैसी मुझे भी हो जाए, वंदे तद्गुण लब्धये, मैं आपको नमस्कार करता हूँ उन गुणों की प्राप्ति के लिए। जगत के जीव जाते हैं भगवान के पास भिखारी बन के, भगवान मेरे घर में थोड़ा सोना बढ़ा दो, चांदी बढ़ा दो, रुपया पैसा बढ़ा दो, पुत्र पुत्री बढ़ा दो, निरोगी कर दो। हम यहाँ मांगते नहीं, हम क्या कहते हैं, भगवान हम आपके जैसे हो जाए। बात कहाँ से शुरू हुई, बात यहाँ से शुरू हुई कि आप इस पूरी यात्रा में अकेले हैं। यदि आपने किसी से कहा है, किसी ने आपसे कह दिया है कि आप चिंता नहीं करो मैं हूँ, तो मैं आपके कान में कह रहा हूँ वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो किसी काम का नहीं है। ये अंदर को समझने वाली बात है, किसी से आर्गुमेंट का विषय नहीं है। सुनीत जिस दिन मैं यहाँ आया ना क्लिप में, सुनीत पंडित साहब चिंता नहीं करना मैं हूँ, तो मैंने अंदर विचार किया धन्यवाद। क्यों, मेरी जो भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं वो किसके भरोसे हैं, सुनीत भाई के भरोसे। चंद्रा अंकल मुझे वहाँ जाना शिविर में मिले, आओ साहब मिलेंगे, आओ साहब मिलेंगे, आओ साहब मिलेंगे, अब दिख नहीं रहे। किसके हाथ में, आप विचार करो ना, किसके हाथ में, किसके हाथ में। अच्छा वो यहाँ आना नहीं चाहते, कैसी बातें करते, वो तो सबसे आगे रहते हैं, हर बात में आगे रहते हैं। फिर ये जो व्यवस्था है ये अपने अपने उदय की व्यवस्था है। आप चाहो या नहीं चाहो, आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिल्कुल मत चाहो मैं आऊँ नहीं आऊँ नहीं आऊँ तो भी मैं आ जाऊँगा, आप ना करते करते भी आप रुका लोगे, आप ना सोचे अब ठीक है सुन लो, आप समझे आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या आप कुछ कर रहे हैं। सच बात यह है ये बहुत काल पहले सुनिश्चित हो गया था, हम सब सिर्फ आए हुए कर्म के उदय को जान रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारा रोल है नहीं। लेकिन हम कर तो हैं, तो अंदर अंदर ऐसा लग रहा है इन्होंने इसका भला कर दिया, इसने इसका बुरा कर दिया, तो ये लिस्ट फाड़ के फेंक दी जाए। एक अकेला अवतरे मरे अकेला होए, ये कौन सी भावना है, एकत्व भावना। इसके बाद की कौन सी भावना थी, अन्यत्व भावना। उसकी क्या विशेषता है कि जो हम बोलते ना एकत्व एकत्व एकत्व, तो अन्यत्व भावना में ये बताना चाह रहे हैं कि शरीर भी एकत्व में नहीं आता है, मतलब शरीर भी अन्य है, शरीर भी अन्य है, शरीर भी अन्य है, शरीर भी अन्य है, मतलब आप समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो मैं अब इस विषय को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अज्ञानता के कारण से पर वस्तु के प्रति जो राग या द्वेष जो भी उत्पन्न होता है उसका आधार है
मैं पर वस्तु को अपनी मान लेता हूं। अपनी मान लेता हूं मतलब उसमें अपनापन स्थापित कर लेता, आत्मीयता आ जाती है। आत्मीयता आ जाती है मतलब वही आत्मा है ऐसा मान लेता हूं। अब देखना इसका विश्लेषण कैसा सरल है। वाक्य क्या था, देखो मैं ये वस्तु किसकी है, वाक्य है ये वस्तु मेरी है। मेरी है अर्थात मेरा इस वस्तु के प्रति अपनापन है। अपनापन है मतलब आत्मीयता है। आत्मीयता है मतलब मैंने कल्पना से इसमें आत्मा की स्थापना कर रखी है। मैं अंदर ये मान रहा हूं ये, और मैं अलग अलग वस्तु नहीं हूं। ये और मैं अलग अलग हूं या नहीं हूं, ये और मैं एक हो सकते हैं, उसके बावजूद भी मेरे ज्ञान ने क्या स्वीकार किया, ऐसा ही है कि नहीं। चलो ये मेरा है, आपका अपना मोबाइल, आपकी अपनी गाड़ी, आपका अपना मकान, आपका अपना पैसा, उसके प्रति आपको कैसा भाव है, ये पैसा मेरा है या पैसा ही मैं हूं, ये मकान मेरा है या मकान ही मैं हूं, ये दुकान मेरी है या दुकान ही मैं हूं, कैसा भाव है जरा बताओ आप। ये शर्ट आपकी है या शर्ट ही आप हैं। तो सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, अरे ऐसे कौन मानता होगा शरीर ही मैं हूं या कपड़ा ही मैं हूं या गाड़ी ही मैं हूं। कि भाई साहब एक एक मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी ही कल्पना करता है, कभी कभी तो स्पष्ट बोल भी देता है। जैसा दुकान लुट जाए तो क्या बोलता है, मैं लुट गया। लुटा कौन है, दुकान लुटा है ना, तो तू क्यों लुट गया। क्योंकि पंडित साहब मैं और दुकान कोई अलग अलग थोड़ी है, मैं ही दुकान हूं। ये देखो अज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है। मकान नष्ट हो जाए तो मेरा मकान नष्ट हो गया ऐसा नहीं, ऐसा लगता है मैं ही नष्ट हो गया, अब तो मैं क्या बचा। शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए तो उससे क्या होगा, शरीर नष्ट होगा ना। तो ये आत्मा क्यों डरता है, क्योंकि आत्मा को ये लग रहा है कि शरीर नष्ट होगा मतलब मैं ही नष्ट हो जाऊंगा। शास्त्र के रहस्य क्या कह रहे हैं, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता है, मकान दुकान रुपया पैसा के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता है, आत्मा की स्वतंत्र सत्ता है, इनकी स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन साहब पैसा वैसा नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। अरे अनंतानंद जीव राशि है इस लोक में जिसका बिना पैसे का काम चल रहा है। मनुष्य तो कितने से है, मुट्ठी भर, बाकी तो दूसरे ही जीव है ना। बताओ किसी मक्खी मच्छर को, गधों घोड़ों को, ऊंट हाथी बैल को, किसी को पैसे की जरूरत पड़ती हो, अकेला ही मनुष्य ही तो है ना। और अच्छा मनुष्यों के भी जो जीवन चल रहे हैं पैसे के भरोसे चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं जिनके पास बहुत पैसे हैं उनके जीवन रुक गए हैं, और जिनके पास कुछ पैसा नहीं है उनकी अपेक्षा उनके जीवन चल रहे हैं। तो जीवन का चलना और रुकना ये बाह्य वैभव के भरोसे नहीं है। छह खंड के अधिपति चक्रवर्ती भी नष्ट हो गए और सामान्य से सामान्य जीव जिंदा है। वो VIP 5-स्टार हॉस्पिटल में उत्पन्न होने वाला बच्चा इन्फेक्शन से मर जाता है, और कचरे के ढेर पर बड़ा होने वाला बालक उसके अंदर कोई वायरस नहीं घुसता है। ये व्यवस्था तो आंखों देखी है ना, कि इसके लिए शास्त्र प्रमाण चाहिए आपको। क्या कहा मैंने, हिंदुस्तान के किसी कचरे के ढेर पर बड़ा होने वाला बच्चा स्वस्थ दिखता है, और 5-स्टार हॉस्पिटल में जहां समझो 10-15 बार हाथ धो के बच्चे को छुआ जा रहा है उस बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। ये व्यवस्था किसकी है जरा बताओ तो सही। कर्मों की सत्ता ना हो तो धरती शून्य हो जाएगी। हम माने या नहीं माने जुदी बात है, लेकिन उसका रोल उसका पार्ट हमारी अनुभूति में आता है। हमको ऐसा सामने साक्षात दिखता है, बाह्य धन, बाह्य वैभव, बाह्य संपदा जो भी है जैसी भी है, प्रश्न यह है कि सुख दुख कौन कौन मिलके भोगेगा। तो जवाब है कोई नहीं, आपको अकेले भोगना है। इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो किसके लिए, कि आए हुए दुख से सामना कैसे करेंगे। आप ये धोखे में मत रहो कि मेरी तिजोरी में जो नोट भरे हैं वो नोट मेरे दुख में काम आएंगे। बहुत बड़ी भ्रांति का पार्ट है वो तो। क्या अकेला, साथ में क्या कहा, अन्यत्व भावना,
शरीर भी अन्य है। शरीर भी अन्य है, इट मीन्स माता पिता भी अन्य हैं, मकान दुकान रुपया पैसा सोना चांदी भी अन्य है। अब इन वस्तुओं में अपनेपन की मान्यता का श्रद्धा के स्तर पर हमको त्याग करना होगा। हम इतने जुड़ गए हैं परद्रव्य से कि आपके मकान में घुसें और आपके मकान के दरवाजे की तारीफ मुंह से निकल जाए और दरवाजा गजब का है तो आप अंदर से ही हो जाना वहां से। जबकि क्लियर कट प्रशंसा किसकी है बताओ तो सही, किसकी है? दरवाजे की। तुम क्यों खुश हो रहे हो? क्योंकि अंदर ही अंदर दरवाजे को और अपने आप को ये जीव एक मानता है, ये समझता है मेरी ही तारीफ हो रही है, ये डाइनिंग बहुत बढ़िया है, ये चप्पलें बहुत बढ़िया है, हर चीज में उसको अंदर से ऐसा आह्लाद आता है। क्यों आता है आह्लाद ऐसा? क्योंकि उसके चित्त में ये बात, ये भूत घुसा हुआ है, सॉरी भूत नहीं, भूसा घुसा हुआ है। क्या भूसा घुसा हुआ है? जैसे बाहर निकले ना आपकी गजब की गाड़ी है, तो गजब की गाड़ी है, ये खुश होता है। प्रशंसा किसकी? गाड़ी। खुश कौन हुआ? तो आप क्यों खुश हुए? मेरी है ना, मेरी है, तो उसकी तारीफ अपनी तारीफ लगती है, उसकी निंदा अपनी निंदा लगती है। बस यही वेद विज्ञान इन 12 भावनाओं का आधारभूत है कि जो अनित्य वस्तु है, जो शरणभूत नहीं है, पूरे संसार का यही स्वरूप है, मुझे अकेले ही सारे सुख दुख भोगने हैं, यहाँ तक कि शरीर भी मेरा नहीं है, ये बहुत बड़ा वो है हेतु, लॉजिक, यहाँ तक कि शरीर भी मेरा नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो बाकी फिर सुततीय मित्र, पति पत्नी, पुत्र, परिवार, कुटुंब, देश, समाज, इनकी मैं क्या बात करूं, इस पर क्या डिस्कशन करें, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो शरीर अपना नहीं है, अपने बोल तो दिया शरीर भी अपना नहीं है, लेकिन थोड़ा शरीर के बारे में विचार करना चाहिए। क्यों? शरीर के बारे में यदि विचार नहीं करेंगे, सिर्फ मुंह से बोल देंगे, तो अपनापन जाता नहीं है। अपनापन कब जाता है? जब उसके स्वरूप पर विचार किया जाए। जैसे अपना पूरा शरीर है मोटे तौर पे, हाँ मोटे तौर पे, अब पैर में कुछ गड़बड़ हो गई, घुटने के नीचे नीचे भाग में, शुरू शुरू में बहुत दिखाया, इलाज कराया, लेकिन धीरे 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 घुटने के नीचे वाला भाग पूरा खराब हो गया, सड़ गया, जर्जर हो गया, और डॉक्टरों को आशंका है कि अब ये जो कचरा है या तकलीफ है या परेशानी है वो बढ़ने वाली है ऊपर की ओर, तो उनको वो पैर काटना है, तो वो आपसे परमिशन लेने आएंगे, कभी पैर आपका है, तो उनको पैर काटना है और पैर काटे बिना काम नहीं चलेगा, ये भी पक्का है, तो उनके पास क्या उपाय है? वे आपके बचे जो जिस पैर को काटना है ना, जिसको अलग करना है, उसकी विशेषताएं बताएंगे। वो क्या विशेषताएं बताएंगे? अब वो किसी काम का नहीं बचा है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, गल गया है, सड़ गया है, और अगर इसको जल्दी से नहीं हटाया तो क्या होगा कि अभी तो हम नीचे का पंजा पंजा काट रहे हैं, फिर आपको ऊपर तक काटना पड़ेगा, अगर वो भी नहीं किया तो फिर और पूरा पैर उड़ाना पड़ेगा, और फिर भी नहीं हुआ तो आप ही सलट जाओगे, तो तुरंत साइन कर देता है, हटाओ 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 पैर, हटाओ मेरा पैर। खुद का पाला पोसा पैर अलग करने को तैयार हुआ ना, किस बेस पर तैयार हुआ? जब उसने उसकी असुचिता का वर्णन पढ़ा, इसलिए आचार्यों ने असुचि भावना का वर्णन किया। थोड़ा शरीर का विचार तो करो, कि तो आचार्य ने कहा सिर्फ ऊपर से, जैसे उदाहरण तो बहुत खराब दिया है, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा हो, उसमें पूरी दुनिया की गंदगी भर दो, सुअर की विष्ठा, मनुष्य की विष्ठा, वो सब उसमें भर दो, और ऊपर से एक बढ़िया लेयर लगा दो कपड़े की, तो वो घड़ा कैसा है? सुंदर है या असुंदर है? तो बोले कितना ही सुंदर, क्यों नहीं दिख रहा वो अशुद्ध है, असुचि है। तो ऐसी इस शरीर में है क्या? है एक चमड़ी की थोड़ी सी लेयर ही तो है, बाकी तो खून है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, मतलब ऐसी स्थिति है कभी कभी कि ये चमड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो लोग देख नहीं सकें, चमड़ी निकल जाए और मांस लटक रहा हो तो मनुष्यों से तो देख नहीं पाए, बाकी लोग नहीं, परिवार के बोलो क्या, सूंघ नहीं पाए, इतनी गंदगी आए, इतनी बदबू आए, किसमें से?
मतलब ये शरीर का असली स्वरूप है। असुचि भावना क्यों भाई जा रही है कि हम व्यर्थ ही इतने गंदे शरीर से अनुराग करते हैं, ये शरीर अनुराग करने लायक नहीं है। वो पूजन है ना, उसकी पंक्ति है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ये शरीर तो महा असुचि है, महा असुचि, किसी काम का नहीं है। देखो आचार्यों की अपेक्षाएं हैं, जब आत्मानुभूति कराने की बात कहेंगे तो कहेंगे देह देवल में विराजमान भगवान को देखो, ये शरीर रूपी मंदिर में आत्मा को देखो। अभी भेद विज्ञान किससे करा रहे हैं कि शरीर भी अन्य है, शरीर भी अन्य है, तो आपका मन नहीं हो रहा है, अरे अन्य कैसे है, तो मैं बचपन से साथ में रह रहा, तो उसकी विशेषताएं बता रहे हैं। अब बता, अब तुम्हारा है क्या परिग्रह का एक कॉमन साइकोलॉजी है, वो क्या है, कोई भी यहाँ वस्तु पड़ी मिले तो ये जीव उठाने की कोशिश करता है, सहज बुद्धि कि अपने पास रहे, लेकिन जैसे ही उसे पता चल जाए इसमें गंदगी है, इसमें कचरा है, कभी कभी कचरे को भी अच्छे से पैकेट में पैक करके रख देते हैं ना, अब किसी को मन आ जाए पता नहीं इसमें क्या रखा हुआ है, पता नहीं इसमें क्या रखा हुआ है, तो उसका मन होगा ना इसे उठाएं, और जैसे ही उसे पता चल जाए इसमें कचरा है, फिर तो अशुचि भावना का अर्थ यह है कि आप विचार करो, जिस शरीर से आप अनुराग कर रहे हैं, जिस शरीर से आप एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, जिस शरीर की गुलामी के चक्कर में अनेकानेक पाप कर रहे हैं, अगर इसका विस्तार करें तो आप समझ लीजिए जितने भी अनाचार और अनैतिकताएं हैं इस शरीर के ही आकर्षण की तो हैं, और क्या है, अवक्ष भक्षण जितना भी आप इस शरीर को खिला रहे हैं, मुझे बताओ ये शरीर बदले में आपको थैंक यू भी बोलेगा क्या? नहीं समझ में आया, ये थोड़ा थोड़ी सी 2 इंची की जवान में स्वाद अच्छा लगे इसलिए अवक्ष खाने को तैयार हो जाते, दिन रात नहीं देखते हैं, स्थान नहीं देखते हैं कि होटल शाकाहारी है क्या मांसाहारी है, किसके चक्कर में, इस सड़े शरीर के चक्कर में, ये क्या देने वाला है आपको, बोलो विचार करो। तो असुचि भावना में जब हम शरीर का वास्तविक विचार करते हैं तो सहज वैराग्य उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, हम जितना भी विचार करेंगे चिढ़ने के लिए नहीं, नाराज होने के लिए नहीं, द्वेष करने के लिए नहीं, शरीर से चिढ़ना नहीं है, शरीर से द्वेष नहीं करना, हमारी कमजोरी क्या, या तो हम किसी से दोस्ती करते हैं, मतलब किसी के लिए मरे जाते हैं, या उससे दुश्मनी करते हैं, नॉर्मल नहीं रह सकते। और आचार्य यही कह रहे हैं कि भाई कोई वस्तु जगत में इष्ट नहीं है और कोई वस्तु जगत में अनिष्ट नहीं है, शरीर का हमने स्वरूप बता रहे हैं, तो इसमें गंदगी, चिड़, घबराहट, जुगुप्सा, ग्लानी कुछ नहीं है, बस एक भाव है कि इतना थर्ड क्लास शरीर उससे मैं अपनापन क्यों करूं। ये सब तैयारियां कब की हैं, कब की, समाधि मरण में तो ये प्रयोग होता है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, और शरीर के जर्जर होने से आप ग्लानी महसूस ना करें, ये कब संभव है, जब शरीर को अपना नहीं माने। यदि शरीर को अपना मानेंगे तो क्या होगा, अंदर से दुख होता है, अरे अरे ये शरीर कैसा हो गया है, और अपना नहीं हो तो कैसा भी हो जाए मुझे क्या प्रॉब्लम। देखो कितना फर्क पड़ रहा है इस चीज से, अपना है या नहीं है, बाहर बारिश हो जाए, गंदगी कोई फेंक दे, 10 गाड़ियां रखी हुई हैं, सबसे पहले ध्यान कहाँ जा रहा है, मेरी गाड़ी सुरक्षित है बस, ऊपर से बोलता है कैम चेक कैसे हो गया क्या हो गया, 17 बातें करेगा, लेकिन अंदर अंदर से क्या महसूस करता है, मेरी सुरक्षित है। तो ऐसे ज्ञानी जीव कहते हैं चेतना सुरक्षित है, ये तेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, शरीर जो है वो कैसा है, ये तो पौधगलिक है, ये तो पहले भी मलमूत्र आदि से भरा हुआ था, आज भी मलमूत्र आदि से ही भरा हुआ है, इसके प्रति अनुराग होना ही बेवकूफी थी, फिर भी हो गया तो कोई बात नहीं। अभी समझ लो, क्या समझ लें, शरीर भी अन्य है और उसका स्वरूप कैसा है, असुचि है। सुनो अकेला शरीर असुचि नहीं है, शरीर तो हमने उससे वैराग्य दिलाने के लिए असुचि कह दिया है, सच्ची में असुचि जानना है कौन है वास्तव में, तो बोले सच्ची में जो असुचि है वो है आश्रव। अब ये क्या बला है,
रोज एक नई चीज दे देते आप। फिर से बोलता हूं मैं, शरीर तो असुचि है, हम और आप सब जानते हैं समझते हैं, शरीर से भी महाभयंकर असुचि कौन है इस दुनिया में, तो उस नाम उस उसका नाम है आश्रव। क्या कहा? आश्रम नहीं, फिर ठहरने के लिए पहुंच जाओ, चलो टिकट दे दो, बोले कहाँ है, आश्रम नहीं, क्या है? आश्रव। बोलो जोर से, फिर से, क्या कहा? आश्रव। मतलब क्या होता है इसका? खतरनाक तो सबसे दुनिया में यही है। क्या है ये? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। क्या कहा? कर्मों के आने को क्या कहते हैं? किसके आने को? किसके आने को? कर्मों के आने को क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, कर्म जिस रास्ते से आते हैं, कर्म जिस माध्यम से आते हैं, उस माध्यम को आश्रव कहते हैं। अब समझना पड़ेगा आपने को, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है आश्रव के लिए, तो कौन सा है वो? नाव में पानी भरने वाला। नाव में पानी भर गया है, और नाव में पानी भर गया है तो नाव डूब जाएगी। तो वहां हम प्रश्न चर्चा करते हैं, अच्छा बताओ, नाव में पानी भर गया, नाव डूब गई, तो नाव को किसने डुबाया? तो अखबार में क्या छपेगा? पानी ने नाव को डुबा। सच्ची बात है। क्यों सच्ची बात क्यों नहीं है? क्योंकि यदि पानी नाव को डुबोएगा तो फिर कहां समस्या आएगी? फिर एक भी नाव तैरती हुई नहीं दिखेंगी, क्योंकि पानी तो बहुत है, नाव तो 100-200 है, सबको डुबो देगा। पानी ने नाव को नहीं डुबाया है, नाव की अपनी कोई गलती होगी, तो नाव के कारण से नाव डूबी है? तो जवाब आएगा नहीं, नाव के कारण से भी नाव नहीं डूबी है, क्योंकि नाव तो तैरने के काम आती है, डुबाने के काम थोड़ी आती। पानी की वजह से नाव नहीं डूबी है, नाव की वजह से नाव नहीं डूबी है। तो ऐसे ही यहाँ जीव है और कर्म है, ध्यान से सुनना इस बात को, जीव यहाँ है, यहाँ, और कर्म कहाँ है? तीन लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं, और जीव संसार में डूबा हुआ है, तो कर्मों के कारण से ऐसा कहने में आता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। यदि कर्मों के कारण से जीव डूबा हो तो सारे जीव डूब जाएंगे, एक भी सिद्ध परमात्मा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि कर्म बहुत है। तो कर्मों के कारण से नहीं डूबा है, तो जीव जीव के कारण से डूबा है कि नहीं? जीव जीव के कारण से भी नहीं डूबा है। क्यों? जीव के आश्रय से तो जीव मुक्त होता है, डूबता नहीं है। अपने आश्रय से, आत्मा का ध्यान करने से तो जीव मुक्त होता है, तो डूबता नहीं है। तो फिर डूबा कैसे है? नाव पे वापस आ जाओ। पानी की वजह से नाव डूबी है? नहीं। नाव की वजह से नाव डूबी है? नहीं। तो पानी और नाव के अलावा तीसरी चीज और है, क्या? वो छेद। असली जो समस्या है, उस छिद्र के कारण से क्या हुआ? पानी अंदर आया। तो पानी का अंदर आना ये क्या है? आश्रव। पानी का अंदर आना ये क्या है? पानी आश्रव नहीं है, पानी आश्रव नहीं है, आश्रव कौन है? पानी का अंदर आना। तो अंदर कैसे आए? छेद से। तो परमार्थ से विचार किया जाए तो छेद है वो आश्रव है। तो ऐसे ही आत्मा में छेद हो रखे हैं, उससे क्या हो रहा है? कर्म अंदर आ रहे हैं। तो जैसे ही पानी नाव में भरा तो हमने क्या किया? नाव को बचाने के लिए उसका पानी फेंकना शुरू कर दिया, दिन रात एक कर दिया, सुबह उठते ही पानी, बाहर पानी, बाल्टी ली, पानी। बोलो ये नाव डूबने से बचेगी या नहीं बचेगी? क्यों यार, इतनी मेहनत तो कर रहा है। बोले तो मेहनत बाद में करना, पहले क्या करना? पहले छेद बंद करो। अब बता रहा हूं बहुत सारभूत बात आपके लिए। तो छेद में भी क्या है? कुछ छोटे छोटे छेद हैं, कुछ बड़े बड़े छेद हैं। तो
तो प्रश्न यह है कि बड़ा छेद पहले बंद करें कि छोटा छेद पहले बंद करें। हम क्या करते हैं पता है, छोटे छोटे पहले करते हैं, जल्दी हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है हाँ कुछ तो हुआ, उबास हाँ कल कर लूंगा, परसों लाओ कहाँ है कर्म भाई। जो काम जल्दी हो जाता है उसे फटाफट से एक्सेप्ट कर लेता है। दान हाँ ले लो, कितने डॉलर लिखा है लिख लो। तो नहीं नहीं बोले, बात चल रही है आश्रव को रोकने की। तो बोले पांच प्रकार से आश्रव आते हैं, मैं बोलता हूं। सबसे पहला नंबर है आश्रव के आगमन का मिथ्यात्व। क्या है? मिथ्या दर्शन। क्या कहा? मिथ्या दर्शन। दूसरा अविरति। क्या है? अविरति। क्या है पहला? क्या है? मिथ्या दर्शन। दूसरा अविरति। तीसरा है प्रमाद। क्या है? क्या है? क्या है? प्रमाद। चौथा है कषाय। क्या है? क्या है? कषाय। और पांचवा है योग। ये को मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, ये तत्वा सूत्र का सूत्र है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतुवः, ये बंध के हेतु हैं। बंध के हेतु माने इससे कर्म बंधता है, बनता है माने आएगा तो बंधेगा ना, इसलिए इनको आश्रव कहा गया है। अब प्रश्न ये है कि एक तो है मिथ्यात्व का भाव, मतलब उल्टी मान्यता, शरीर आत्मा को एक मानना, परद्रव्य का कर्ता मानना, ये है मिथ्यात्व। अविरति माने व्रत नहीं लेना। प्रमाद माने पांच प्रकार के विषय, चार प्रकार की कषायें, निद्रा, स्नेह और चार प्रकार की विकथाएं, ऐसे करके 15 प्रमाद के भेद किए। कषाय से हम परिचित ही हैं, क्रोध मान माया लोभ मूल भेद, अनंतानुबंधी से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 भेद बनेंगे, हाजरति अरति आदि से करेंगे तो 9 और हो जाएंगे, तो 25 भेद हो जाएंगे। योग मन वचन काय, ये हो गए पांच प्रकार के बड़े बड़े छेद। तो सबसे पहले कहाँ रुकना चाहिए गाड़ी? मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, फिर योग। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? योग से। हमको लगता है कि हमारा मन वचन काय कंट्रोल में रहेगा, सब काम हो जाएगा, और फैक्ट है ये। लेकिन मन वचन काय कंट्रोल में तब रहेगा जब अंदर से कषायों का नाश हो जाएगा। कषायों का नाश तब होगा जब आपकी प्रमाद परिणति दूर हो। प्रमाद परिणति दूर तब होगी जब आप व्रतादि अंगीकार करेंगे। व्रतादि तब अंगीकार करेंगे जब बात सही समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर का जो काम था वो कौन सा था? मिथ्यात्व को भगाना। मिथ्यात्व को भगाना माने उल्टी मान्यता को भगाना। जो हमने जाने अनजाने में गलत चीजें सीख ली हैं और उससे हम अपना जीवन बर्बाद सही कर दिया है, तो सबसे पहले आचार्य कह रहे हैं कि तुम दिमाग को ठीक करो पहले, बाद में पूछना क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा करें कि वैसा करें, वो सब बाद में बताइए। पहले क्या करो, मान्यता तो सही रखो। मतलब वापस ले जाता हूँ, जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे नित्य हैं या अनित्य हैं? पर्याय दृष्टि से अनित्य हैं, ये मानो। बोलो मत, ये मानो। मानो मतलब ये दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी वैभव संपदा जो कुछ भी है वो सब कैसी है? विनाशिक है कि अविनाशी है? अब देखना उल्टी मान्यता की बात है, अविनाशी सॉरी है विनाशी और मानते हैं अविनाशी। इतना पढ़ने सुनने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा सम्यक हो जाए। सुना है हमने और मन भी हमारा कह रहा है कि बात तो सही कह रहे हैं पंडित जी, होता तो सब कर्म के हिसाब से, बात तो सही कह रहे हैं, सब बात सही कह रहे हैं, ऐसा बोलते हुए भी जरूरी नहीं है अंदर से स्वीकृति आ जाए। क्यों? अंदर से स्वीकृति आ जाए तो आप निर्भय हो जाएंगे, आपकी क्या कहना चाहिए वो कमजोरी दूर हो जाएगी। फिर दूसरी कौन सी भावना थी? अशरण। फिर शरण नहीं खोजेंगे, फिर किसी से फोन करके नहीं पूछेंगे अरे यार पता नहीं चलता है क्या बात है, बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, सब दिखा लिया सब करा लिया, तो दूसरा कहता है इस पर ऊपरी हवा हो सकती है,
ये कर्म के उदय के अलावा दूसरा इस विश्व में कुछ नहीं। लेकिन फिर हम शरण ढूंढते हैं, फिर शरण के नाम पर ऐसी ऐसी शरणें भी ढूंढते हैं जिनकी चर्चाएं करना भी इष्ट नहीं लगता है। मतलब अंधविश्वास की जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं वो किस आधार पर खुली हुई हैं? इसी आधार पर। कौन सा? हमको लगता है कि वहां जाके हमारा काम सही हो जाएगा। तो इस क्रम से आप आगे बढ़ें, कहां तक पहुंच गए? शरीर क्या है? अन्य है। अन्य होने के बाद कैसा है? अशुचि है। अकेला शरीर अशुचि नहीं है, साथ में कौन अशुचि है? आश्रव भी। आश्रव जो अशुचि है वो किस लेवल का है? शरीर की अशुचिता जो है वो पौद्गलिक है, और आश्रव की जो अशुचिता है वो आत्मा में है। अब इसके रहस्य को सुनो। आचार्य ने जो मेहनत की है वो यहां की है। शरीर की अशुचिता में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें समझना है कि शरीर अशुचि है, इसलिए बहुत ओवर भाव नहीं देना है शरीर को। भाई जितना गाड़ी चल सके उतना काम करो। मुनिराज भी गोचरी करते हैं, आहार लेते हैं। कितना कितना आहार लेते हैं? बॉडी बनाने के लिए नहीं लेते। कितना लेते हैं? जिससे ये शरीर चलता रहे। तो शरीर की अशुचिता तो अपने जान ली, वहाँ कुछ करना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है शरीर अशुचि है उसे शुचि करना हो, लेकिन ये आश्रव जो है इनको जानने का प्रयोजन क्या है? तो इनको जानने का प्रयोजन यह है कि इनको भगाना, क्योंकि जब तक आश्रव है तब तक बंद है, और आश्रव जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। क्या काम नहीं होगा? क्योंकि नाव तो है आत्मा, कर्म सामने पौद्गलिक है और छेद के माध्यम से आ जाते हैं। अब उनको रोकना है तो उसका उपाय आश्रव को बंद करना है। आश्रव को बंद करने का नाम ही है संवर। संवर माने, संवर का अर्थ होता है रोकना कर्मों को। देखो कहा जाता है कर्मों को रोकना, सच्चाई क्या है मालूम है? कर्म जिस वजह से आते हैं उनको रोकना। हमसे थोड़ी सी थोड़ी है माइनर ही बात क्या चलेगी, कर्मों को रोको। लेकिन सच्चाई क्या है? कर्म आ किस वजह से रहे? कि अपनी हरकतों से, अपने विकारों से, अपने क्रोध मान माया लोभ से। तो हम अगर अपने क्रोध मान माया लोभ को रोकेंगे तो कर्म आने से रुकेंगे। तो रोकना कर्मों को नहीं है, किसको रोकना है? भाई मैं शास्त्रों में समय सार में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है कि आप एक धूल जहां बहुत है वहां जाते हैं और तेल लगा के जाते हैं तो क्या होता है? चिपक जाती है। और तेल लगा के नहीं जाते हैं तो नहीं चिपकती है। तो धूली बंध का कारण कौन है? वहां जाना नहीं, वहां व्यायाम करना नहीं। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत देके समझाया। ऐसे ही कर्म बंधन का असली कारण कौन है? चैतन्य सदन में उत्पन्न होने वाला विकार। कर्म को कौन आमंत्रित देता है? कर्म मालूम है? इतने समझदार हैं, इतने क्या कहना चाहिए एडिकेट्स हैं उनमें, कि वे बिना इनविटेशन के आपके पास नहीं आते। ये अलग बात है कि जब वे उदय में आते हैं तो हम ऐसा पूछते हैं, भगवान जाने ऐसा कर्म मैंने कब बांधा था, क्योंकि हम भूल चुके होते हैं। बढ़िया ना, पुराना कौन याद रखे? हम भूल जाते हैं पिछले जन्म में क्या किया, इस जन्म में क्या किया। तो जब वो कर्म उदय में आता है तो हम ऐसा पूछते हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है मेरे कर्म का उदय, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, मैं तो बहुत पूजा करता हूँ, मैं तो फलाना, ऐसे लंबी लिस्ट लिए घूम रहा है। कर्म क्या कह रहा है? इधर आ, उस दिन उस जगह पे, वो सब डिटेल आपकी वहाँ। जैसे आजकल पहले हिसाब कैसा था? कागजों का था, तो ढूंढने में टाइम लगता था कितना उधार लिया। अब हिसाब कैसा है? कंप्यूटराइज, आपका नाम डालते ही डेट के साथ में, तारीख के साथ में, कैमरे की फोटो के साथ, सब आ जाता है। तो कंप्यूटर तो कर्मों का तो ऐसे ही गणित, वो तो एक मिनट में जवाब दे देते, भाई साहब इस जगह पे ऐसा,
और पुराण पढ़ो तो उसमें यही जवाब है, मुनराज भी यही समाधान करते हैं। कमजोरी हमारी है ना, तो हम यहाँ एक क्लियर कर लिया कि एक भी कर्म हमसे बिना पूछे नहीं बनते हैं। बिना पूछे नहीं बनते मतलब मैं वैसा विचार करता हूँ, मैं वैसा विकार करता हूँ, तो कर्मों को नहीं बांधना हो तो क्या करें कि हम विकार ना करें। विकार ना करना ही संवर है। प्रॉब्लम किससे थी? आश्रव से कर्म आ रहे थे, तो अब क्या करना था कि कर्मों को आने से रोकना था, तो हमने क्या किया? संवर। संवर माने विकारों का अभाव। विकारों का अभाव कैसे संभव है? फिर से वापस पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा कि विकारों का अभाव हमारे निर्मल ज्ञान से होगा, और निर्मल ज्ञान शास्त्रों से आएगा, इसलिए शास्त्रों के अभ्यास को यानी स्वाध्याय को परम तप कहा है। कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे ज्ञान में सम्यक ज्ञान की लेयर बनती है, और जब सम्यक ज्ञान की लेयर बनती है तो क्रोधादि स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं, और जब क्रोधादि स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं तो बीमारियां विकार नहीं होते। जैसे हम औषधि सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है? रोग आदि स्वयमेव ही नष्ट होते हैं। ऐसी शास्त्र स्वाध्याय से क्या होता है कि सम्यक ज्ञान आता है। सम्यक ज्ञान से क्या होता है? विपरीत विचार नहीं होते हैं। विपरीत विचार नहीं होते हैं, क्रोधादि नहीं होते, क्रोधादि नहीं आते हैं, कर्म बंधन नहीं होता है। तो संवर का उपाय क्या है? स्वाध्याय। आश्रव को रोकने का उपाय क्या है? स्वाध्याय। तो आपको ऐसे मैं आपको सब जगह से घटित करके बता दूंगा कि अल्टीमेटली केवली भगवान ने समोह शरण में बैठ के जो बातें कही हैं वो बातें शास्त्रों में हैं, और मुझे उन शास्त्रों का अभ्यास करके अपना कल्याण करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है वर्तमान में सुख और शांति की प्राप्ति का। क्योंकि अगर ये भेद विज्ञान हमको उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर हम उलझते रहेंगे। हम मतलब ऐसा हो जाएगा कि वो पानी भी आता जा रहा है नाव में और वो फेंकता भी जा रहा है, लगातार थक भी रहा है, और कह रहा है मेरी माँ नाव डूबने से बच नहीं रही है, मेरी नाव डूबने से बच नहीं रही है। कैसे बचेगी? क्यों नहीं बच रही है? क्योंकि वो जो इनकमिंग है ना वो नहीं रुक रही है। इनकमिंग रुके तो फिर अपना काम संभव है। इनकमिंग कम रुकेगी, वहीं वापस आओ। जब तक श्रद्धान सम्यक नहीं होगा तब तक विपरीत मान्यता जाएगी नहीं, और विपरीत मान्यता जब तक जाएगी नहीं तब तक क्रोधादि रुकेंगे नहीं। मैं जब तक बाह्य वस्तु को अपना मानता रहूंगा, घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी शरीर आदि पर पदार्थों को अपना मानता रहूंगा, तो उससे क्या होगा? राग द्वेष होते रहेंगे। राग द्वेष नहीं करना है तो क्या करूं? कि अपना मत मानो। अब देखना, अब बोले हम तो श्रावक हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हमें तो मकान की भी जरूरत पड़ती है, हमें तो गाड़ी की भी जरूरत पड़ती है, हमें रुपए पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि आप इसकी उपयोग ना करें। बात क्या चल रही है? अपना ना माने। अभी भी कोई बात हुई कि अपना भी नहीं माने और उपयोग भी करें? हाँ, गुणस्थान ऐसा ही है, श्रावक गृहस्थ दशा का गुणस्थान ऐसा ही है। मैं इस कृषि का उपयोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अभी कर रहा हूँ ना, लेकिन अपना थोड़ी मान रहा हूँ। इसका आनंद अलग है। इसका क्या आनंद है? इसका आनंद यही है कल ये मना कर देंगे इस पर नहीं बैठना तो नहीं बैठेंगे, दुख नहीं होगा, लेकिन मैं इसे अपनी मानूं, मैं इस पर अपना नाम लिखा दूं, मैं इसको अपने पैसे से खरीद के लाके यहां रख दूं, फिर क्या होगा? फिर दुख शुरू हो जाएगा। तो आप जिस मकान का उपयोग करते हैं, जिस गाड़ी का उपयोग करते हैं, जिस शरीर का उपयोग करते हैं, मतलब हम समझने की कोशिश करना, उपयोग करना अलग चीज है और उसे अपना मानना अलग चीज है। सम्यक दृष्टि इनको अपना नहीं मानता है, उपयोग तो करता है। वो तो जैसे जैसे अंदर में विरक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे वैराग्य बढ़ेगा, चीजें छूटेंगी, आप परिग्रह की ओर आगे बढ़ेगा, उनका त्याग भी होगा, लेकिन उद्घाटन कहां से होगा? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान नहीं होगा तो त्याग किसका होगा? इसलिए त्याग से पूर्वक भेद विज्ञान पहले जरूरी है। अच्छा, बिना भेद विज्ञान के त्याग कर दूंगा तो क्या होगा? तो आत्मा भटकती रहेगी। नहीं नहीं समझ में आया? यदि मैंने भेद विज्ञान नहीं किया और त्याग कर दिया तो क्या होगा?
के मन में सल्ले रह सकती है। और तत्वासूत्र में लिखा है निसल्यो व्रति, व्रति जो होता है वो निसल्य वाला होता है। यदि हमको सच में निराकुल रहना है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी कि हम जिन चीजों के बीच में रहते हैं, जिन चीजों से हमारा रोज इंटरेक्शन होता है, जिन चीजों का हम रोज उपयोग करते हैं, सबसे पहले हमें उन चीजों से भेद विज्ञान करना है। क्या भेद विज्ञान करना है? ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ। इससे क्या होगा? इससे आत्मा में आनंद आएगा। अब आप पूछोगे कैसे आनंद आएगा? पॉइंट नंबर वन, एक तो आकुलता मिट जाएगी, आकुलता मिट जाएगी। देखो आपको अंदाजा नहीं है, होगा वैसे उदाहरण से भी बात समझ में आती है। आपका बालक, आप यहां से बाहर निकले और एक बालक का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी से टकरा जाए, और आपको एक क्षण को ऐसा लगे ये मेरा बालक है, कपड़े से, यूनिफॉर्म से, उसी स्कूल का, सब ऐसा लगे कि मेरा है, तो आपको किस लेवल की आकुलता होगी? आप भागेंगे बचाने के लिए, दौड़ेंगे, लेकिन भागते भागते आपकी नज़र उसके चेहरे पे चली गई, उसके हाथ पैरों पे चली गई, और आपके मन ने ये निर्णय किया कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अभी भी नैतिकता की दृष्टि से आप भागेंगे, उठाएंगे, बचाएंगे, सब करेंगे, लेकिन पहले जो आकुलता थी कौन सी? कि मेरा बच्चा है। क्या अब वो आकुलता है? क्यों, किसने, कहाँ गई वो आकुलता? मेरा नहीं, मेरा नहीं। तो ऐसे ही जो मकान, जो दुकान, जो रुपया पैसा, जो सोना चांदी जगत कहता है कि मेरा है, सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव अंदर से ये मानते हैं ये मेरा, उसका आनंद अलग है। उसका क्या आनंद है? कि पुण्य और पाप के उदय में जीव हर्ष विषाद नहीं करता है। जो मेरी भावना में कहते हैं ना कि सुख में होकर मग्न फूले, दुख में कभी न घबराए। पुण्य का उदय और पाप के उदय में जो समता भाव कैसे आएगी? भाई मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। तो मेरा कौन? मेरा कौन? कि जिसकी वजह से निर्जरा होगी वो मेरा। तो अगली भावना है निर्जरा। जो अंदर कचरा भर गया है ना, वो बाहर कैसे निकलेगा? कि उसके आश्रय से निकलेगा। भाई घर बहुत दिनों से बंद हो, उसमें धूल, कचरा, कबूतर और लोग आके रहने लग गए हो, अब वहां से कैसे भागेंगे? क्या उपाय है? आप जाके रहने लगो। जैसे ही आप जाके रहने लगोगे तो धीरे 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 सब भाग जाए। ऐसे ही आत्मा में दूसरे लोग आके रहने लग गए हैं, दूसरे माने विकार, क्रोध। तो मैं जब आत्मा में रहूंगा तो क्या होगा? ये सब विकार। भक्तांबर का एक श्लोक है मालूम, उसमें क्या लिखा है? ये भगवान, ये वितरागी परमात्मा, आपके पास एक भी दोष नहीं है, आपके पास एक भी दोष नहीं है। क्यों मालूम है? लॉजिक क्या दिया है वहां? क्योंकि आप गुणों से लबालब भरे हैं, दोष को घुसने की जगह नहीं। नहीं नहीं समझ आ गया होगा, मतलब क्षमा से, मार्दव से, आर्जव से, सत्य से, सोच से, संयम से, तप से, त्याग से, आकिंचन से, ब्रह्मचर्य से उनकी आत्मा भरी हुई है। अब दोष एंट्री कहां लेंगे? बाकी के लोग दोषों से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां गुण नहीं है। तो आपकी आत्मा में गुण लबालब भरे हैं, इसलिए दोषों को प्रवेश नहीं है। आप अपने घर में रहने चले जाएंगे तो दूसरे जो परजीवी, पर पक्षी, कचरा सब साफ हो जाए। ऐसी मैं चैतन्य में रहूंगा तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ जो दूसरे डेरा बना के बैठ गए हैं, ये सब वहां से रवाना हो जाएंगे। इनके रवाने होने का नाम निर्जरा है, कर्मों का झड़ना, कर्मों का नष्ट होना। विस्तृत चर्चा अपन आगे करेंगे। इसमें कुछ अपने को बात हो तो सोचो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, पूछो। क्योंकि पूछने से क्या होता है? हमारा चित्त जो है समझ में आती है। कई बार हम संकोच में रह जाते हैं,
संकोच में इसलिए रह जाते हैं कई बार, तो इसलिए नहीं पूछते, पता नहीं हम पूछेंगे तो सामने वाला क्या समझेगा। कभी कभी ऐसा लगता है हमारा प्रश्न बहुत छोटा सा है, इसको पूछें कि नहीं भी। देखो कांटा छोटा बड़ा नहीं रहता है, अंदर है वो तकलीफ देगा, निकल जाएगा राहत मिलेगी। ये दूसरों का कंप्लीटली दूर होना मुश्किल है, ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा वो कम करते हैं, लेकिन यू नो सो दैट इज नॉट रियली सम्यक दर्शन राइट, इट शुड बी गो कंप्लीटली। सम्यक दृष्टि जीव के दोष पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को ये श्रद्धान हो जाता है कि मेरे दोष पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। मान्यता में है, लेकिन मान्यता में है तभी पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ है लेकिन फिर भी आ जाता है, ग्रोथ भी आ जाता है, आएगा 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 आएगा, उसकी क्वालिटी, उसका पावर, उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। मिथ्या दृष्टि को मेरे को पहले जो क्रोध आता था और सत शास्त्रों के अभ्यास के बाद जो क्रोध आता है, उस क्रोध की क्वालिटी में अंतर है, उसके टाइम टाइम पीरियड में अंतर है। पहले क्रोध आता था जाता ही नहीं था, फिर दो दो दिन रहता था, अब एक एक घंटे, फिर पाँच पाँच मिनट, और परिस्थिति मानसिक अपनी परिपक्व होती जाती है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है। हैप्पीनेस की बात यह है कि मैंने कपड़ा बहुत गंदा हो गया था तो मैंने इसको धो के देखा तो थोड़ा साफ हो गया, थोड़ा साफ हो गया इसका मतलब समझे, थोड़ा और धोएंगे तो थोड़ा और हो जाएगा, थोड़ा और धोएंगे तो और हो जाएगा। दिक्कत तो तब होती जब ये बिल्कुल साफ नहीं होता, तो फिर मान लेते इसका तो कलर ही ऐसा है। ऐसे ही मेरी आत्मा को मैं थोड़ा शांत मन से बैठता हूँ, परमार्थ से विचार करता हूँ, तत्व चर्चा करता हूँ, जिनेंद्र भगवान की वाणी में अपने उपयोग को लगाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे निराकुलता आती है। अच्छा दूसरी चीज़ों में भी लगता है, पुण्य के उदय में भी अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा आकुलता वाला है। धन बहुत आता है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा लगना कैसा है, आकुलता वाला है। किस बात की आकुलता, कि अभी आ तो गया है, ये बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, सुरक्षित जगह पर रहेगा, मतलब 100 प्रकार की आकुलता के साथ में पुण्य का उदय है। और सही समझ जो है वो निराकुल है, तो मैं आत्मा का स्वरूप समझता हूँ तो मुझे निराकुलता आती है, मैं वस्तु का स्वरूप समझता हूँ मुझे निराकुलता आती है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि सब अनित्य है, बस बात खत्म हो गया। हमको डर किस बात का लग रहा है, मुझे ये पता चल गया ये कुर्सी मेरी नहीं है, तो कल छोड़ा दो आज छोड़ा लो, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है, और नहीं छोड़ा तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही मैं अपने संयोगों के बीच जीवन जी रहा हूँ, वे संयोग जितने काल तक सुनिश्चित है रहेंगे, जब नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। मैं क्या करूँ कि मैं अपने ज्ञान उपयोग को जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में अधिक काल तक लगाऊं, तो उससे क्या होगा कि बचा हुआ ज्ञान भी और सूक्ष्म होगा और निर्मल होगा, श्रद्धा और सम्यक होगी। हम क्या चाहते हैं सच में, वो सब क्या कहना चाहिए, बटन दबा के काम हो जाए ना। पौधगल में ऐसा होने लग गया है, पहले कपड़े को पानी में गलाना पड़ता था, फिर साबुन लगा के छोड़ देते थे, फिर बाद में ऐसे ऐसे करते थे, फिर फटकारते थे, फिर टांगते थे, फिर उतारते थे, उसके बीच में बारिश नहीं आ जाए, मतलब एक लंबा प्रोसेस था कपड़े धोने का। अब क्या हो रहा है, बटन दबा रहे हैं, अब सुखाने की भी जरूरत नहीं है, अंदर से ही सूखे हुए निकल रहे। तो हमको यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है कोई ऐसा गुरु आए जो हमारी आत्मा को ड्रायर वॉशर में डाल दे, आस में हम धुल जाएं और क्लीन होके सिद्ध बन जाएं। है ऐसा है, लेकिन वो उपाय है, वो पुरुषार्थ कोई दूसरा नहीं कर सकता है, वो मुझे अपना करना है। अपनी आत्मा को खुद ही को धोना है और खुद ही को सुखाना है। धोना है मतलब आश्रव से बचाना है, संवर करना है, और फिर जो कर्म भरे हुए हैं उनको सुखाना है, मतलब निर्जरित करना है। लेकिन उसका तरीका क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः, पर ये सूत्र कभी नहीं भूलना। सम्यक श्रद्धा ही मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। हाँ जी, आज के जो डे टू डे लाइफ में है तो पूजा विधि ये सब पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और पूजा नहीं है, लेकिन ये जो
जब स्वाध्याय करते हैं तो पता चलता है कि जैनियों का असली ज्ञान क्या है और जिससे जीवन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये पूजा विधि को इतना क्यों हमने महत्व दिया और जो स्वाध्याय है उसके डे टू डे लाइफ में हम बहुत ही कम देखते हैं। देखो संडे को हम पूजा करते हैं कोई भी जैन हो, लेकिन घर पर भी रोज पूजा होगी, लेकिन समझ गए। ये देखो इसमें क्या है, बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष भाव से ये देश काल परिस्थितियों की उपजी हुई समस्याएं हैं। हम पास्ट में जाएंगे तीर्थंकर महावीर के समय या उनके बाद भी आचार्यों के समय, तो हमारे यहाँ लिखने पढ़ने का एक बड़ा शौक है, पाठ हो रहे हैं, वक्ता मर है, एक ही भाव है, स्वयंभू है, कल्याण मंदिर है, ढेरों पाठ हैं, ढेरों स्तोत्र हैं और हर स्तोत्र में स्वाध्याय है, समझना। कोई स्तोत्र ऐसा नहीं है सिर्फ नाम बोल के जय जय, नाम बोल के जय जय, उसमें लॉजिक के साथ में स्वाध्याय भी है। काल परिस्थिति हमारी ऐसी हो गई कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, मंदिर टूटने लग गए, लाइब्रेरियों में आग लगाई गई, मतलब क्या नहीं हुआ हिंदुस्तान में। हम तो इतिहास से अपरिचित होंगे, कई लोग तो पता नहीं चलता है, आज भी सैकड़ों हजारों मंदिर ऐसे हैं जो हमारे हैं, हमारे मतलब वीतरागी परंपरा के जैन मंदिर हैं, लेकिन दूसरे लोगों ने वहाँ आके अपने हिसाब से कब्जे कर लिए हैं, पूजा पद्धतियाँ चल रही हैं। दक्षिण में कितने ऐसे मंदिर आज भी हैं, क्या हुआ क्या, जब ये व्यवस्था गड़बड़ाई तो हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने हमको मंदिर से जोड़े रखा, हमको पूजा पद्धति से जोड़े रखा। पूजा पद्धति में क्या है, विशेष नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, सामान्य से सामान्य जीव भी भगवान के प्रति भक्ति भाव से वो प्रोटोकॉल पूरा कर लेता है, आएगा, क्लॉथ चेंज करेगा, विनय करेगा, अभिषेक प्रक्षाल जो जैसी। तो उस बहाने से कम हम और आप जैनी बने रहे। स्वाध्याय के लिए क्या होता है कि राइट नॉलेज चाहिए, तो हर आदमी हाथ खड़े कर देता है, भैया मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात। कोई कहेगा मुझे संस्कृत पढ़ते नहीं बनती है, कोई कहेगा हिंदी पढ़ते नहीं बनती है, कोई कहेगा प्राकृत पढ़ते नहीं बनती है। तो हमको ये फिर से प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई बात नहीं है, आप कोशिश करो, आप कोशिश। आपको याद है, अभी तो पता नहीं, पहले लोग तत्वा सूत्र को कंठस्थ करते थे, हमारी कितने माता बहनों को तो याद है, भोजन करने से पहले रोज तत्वा सूत्र सुन के या बोल के ही भोजन करते, आप समझिए। तो हमने कंठ में बसाई जिनवाणी, तो आज हमारे पास जिंदा है। यदि वास्तव में हमने